अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे मोहरम के वर्खी चोंगे, लेयर वाले चोंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए ली मैं मैदे का आटा आधा किलो, 500 ग्राम, आधा स्पून नमक डाल देंगे हम इसमें, कुकिंग ऑयल डाल देंगे 4 स्पून, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अच्छे से मिला लेना तेल और नमक डालने के बाद में। अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब हम इसमें पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदेंगे आटे को। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे, जिस तरह हम रोटी के लिए गूंथते आटा उसी तरह से गूंदना। आटा गूंदे गया ही। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। जब तक हम घी ले लेंगे, घी ली में 5 स्पून जितना, इसमें हम मैदे का आटा डाल देंगे। 3 स्पून मैदे का आटा डाली में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। ये मिक्सचर हम रोटी बेलने के बाद में लगाने का रहता, आगे मैं आपको बताऊंगी। साइड में रख देंगे इसको। अब हम शीरे के लिए भगोना ले लेंगे। इसमें मैं 500 ग्राम शक्कर ली, चार सौ ग्राम जितना पानी डाल देंगे। गैस को ऑन करके बॉईल आने तक पका लेंगे हम इसको। इलायची पाउडर डाल देंगे आधा स्पून जितना। ये देखिए बॉईल आ गया, और कुछ देर तक पकाना है इसको। ये देखिए रेडी हो गया शीरा। बहुत थिक होने तक नहीं बनाना, नहीं पकाना इसको। ऐसा छिए तो ऐसा हाथ को अपने शीरे का चिगट बना लगना। और स्टेज पे हम ये देखिए इस तरह से, एक तार से भी कम रहना इसकी चाशनी। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये जैसा दिख रहा, ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाता। अब हम आटे को फिर से अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। ये साइज़ के पेड़े बना लेना। अगर आपके पास गिरदा या फिर बेलने के लिए बड़ा है तो आप पेड़े भी बड़े ले सकते। मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए मैं छोटे पेड़े ली। इसी तरह से पूरे पेड़े बना के रख लेंगे। अब हम ये पेड़ों को रोटी के तरह बेल लेंगे। आटा लगाते हुए बेलेंगे। मैदे का आटा है ना, ये तो ज़्यादा फैलता नहीं। आपके पास गिरदा बड़ा है या फिर किसी और चीज़ पे आप बेलना चाह रहे तो बेल सकते, मेरे पास नहीं था इसीलिए मैं थाली ले ली। रोटी से थोड़ा और पतला रहना ये। परफेक्ट है ये। इसी तरह से
फिर से हम बेल लेंगे रोटी को। रेडी हो गए। इसी तरह से पूरे पेड़ों को हम बेल के रख लेंगे। अब हम फर्स्ट रोटी पे घी और ये आटे का मिक्सचर लगाएंगे। ये स्पून से और ब्रश से नहीं आता लगाने, तो इसलिए मैं हाथ से लगाई। हाथ से बहुत अच्छी तरह से लगता, फैलता। अच्छे से पूरा फैला लेंगे। अब हम दूसरी रोटी ले लेंगे। दूसरी रोटी भी इसी के ऊपर रख के हम अच्छे से सेट करके फिर से मिक्सचर लगाएंगे। अच्छे से फैला लेंगे हम ये दूसरी वाली रोटी पे भी। फिर से और एक तीसरी रोटी भी ले लेंगे हम। आप चाहे तो सिर्फ तीन रोटी पे भी लगा के बना सकते पेड़े, लेकिन चार रोटी से बनाने से बहुत अच्छे बर्फ़ी और ज़्यादा बर्फ़ी बनते, लेयर बनते। इसीलिए मैं चार रोटी के पेड़े बनाई। अच्छे से फैला लेंगे पूरा। चौथी वाली रोटी पे रख लेंगे हम इस पे। अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से फैल गया पूरा मिक्सचर। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से थोड़ा फैलता आटा। आप चाहे तो बेलन के भी मदद से कर सकते, लेकिन हाथों से ज़्यादा अच्छा आता। अच्छे से पूरा प्रेस हो गया ये। अब हम छुरी से पतले पतले काट लेंगे इसके पेड़ों के लिए। पतली पतली लाइन ही काटिए, नहीं तो बड़े बड़े हो जाते पेड़े। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। एक और हम इसी तरह से फोल्ड करके ले लेंगे। ये देखिए किस तरह से लेयर्स दिख रहे हैं इसमें। इसी तरह से पूरे पेड़ों को हम रेडी करके ले लेंगे। ये देखिए पूरे पेड़ों को मैं बना के रेडी कर ली। इस तरह से पूरे एक साथ बना के रख लीजिए। अब हम एक पेड़े को लेके ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलना। इस तरह से पलटाते हुए बेलेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। ये देखिए परफेक्ट है ये। ये देखिए लेयर्स कैसा दिख रही। अब हम इसको साइड में रख देंगे। फिर से एक और पेड़ा ले लेंगे हम। सेम उसी तरह से फिर से बेल लेंगे। बहुत पतले नहीं बेलना ये, थोड़ा मोटे ही रहते हैं। मोटे बोल तो बहुत मोटे भी नहीं रहना, इस तरह से रहना। ये देखिए परफेक्ट शेप है इसका। इसी तरह से पूरे बना के रेडी करके रख लेंगे हम। ये देखिए रेडी हो गए।
आसानी से उठ रही भी। अब हम तेल डाल के गरम कर लेंगे पैन में, पैन कढ़ाई जो भी ले सकते हैं आप। डीप फ्राई के लिए तेल ले लेंगे हम। ये देखिए तेल गरम हो गया, अब हम इसमें चोंगे को डाल दिए। इस तरह से हल्के दबाते हुए हिला लेंगे इसमें, इस तरह से दबा लेंगे चोंगों को, बहुत प्रेशर लगा के नहीं दबाना। पलटा लेंगे, एहतियाती से पलटिए। सुनहरा कलर आने तक तल लेना इसको। ये देखिए इसके लेयर्स किस तरह से निकले। रेडी हो गया ये चोंगा, इसको निकाल लेंगे हम। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा रह जाता तो इसको अच्छे से ऑयल निकाल लेना। ये देखिए इस तरह से करने से ऑयल निकलता। एक छन्नी में निकाल के रखना इसको, चोंगों को। एक और डाल देंगे हम फिर से। मीडियम फ्लेम पे तल लेंगे हम प्रेस करते हुए। पलट पलट करते हुए तल लेंगे। अगर आप मुहर्रम में चोंगे बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। हो गया ये भी रेडी, इसको भी साइड में कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे रेडी करके ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं छन्नी में रख ली, जो हम शीरा बना लिए थे वो शीरा है, और खोपरा घस के ले ली मैं। ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे आप अपने हिसाब से ले लीजिए। शीरे में हम इसको डाल देंगे चोंगे को, डाल के निकाल लेना चोंगे को। हम ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखना, इस तरह से पलटाते हुए निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद में शीरा थोड़ा थिक होता, ज़्यादा थिक भी नहीं रहना, इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अच्छा झटकते हुए निकाल लेंगे। एक और चोंगा डाल देंगे। इसको भी निकालेंगे। इसी तरह से हम एक थाली में जितने चोंगे आते हैं उतने शीरे में डुबा के निकालेंगे। ये देखिए मैं चार शीरे में डाल के निकाली। अब हम इसको गार्निश करेंगे। पहले हम खोपरा डालेंगे इसके ऊपर, जो ग्रेट करके रख लेते हम। काजू डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आप चाहें। पिस्ता डाल देंगे। बादाम भी डाल देंगे हम इस पे अभी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है। इसी तरह से फिर से उसी के ऊपर हम एक एक चोंगा फिर से रख लेंगे, फिर से गार्निशिंग कर लेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक रख के गार्निश करते रहना।
ये देखिए रेडी हो गए मोहरम के वर्खी चोंगे। तो इस मोहरम में ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।